सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरी नई रिएक्शन वीडियो के अंदर। सो आज हम रिएक्ट करेंगे ध्रुव राठी जो है उनकी एक लेटेस्ट वीडियो आई थी अभी कुछ दिन पहले। वीडियो का नाम था द नरेंद्र मोदी फाइल्स डिक्टेटर मेंटेलिटी। सो उस पर रिएक्ट करेंगे। ध्रुव राठी काफी फेमस है अपने मतलब ऐसे मुद्दों से जो काफी कम लोग कवर करते हैं। सो इस बार मतलब कुछ कुछ वीडियो से वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काफी कुछ ना कुछ निकालते हैं। सो अभी लास्ट वीडियो है नरेंद्र मोदी फाइल्स, उस पे रिएक्ट करते हैं और देखते हैं क्या सड़ मचाई है ना। सो क्योंकि आज तुम्हारा भाई वोट भी डाल के आया है। सो या और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो और रिएक्शन वीडियो करने में हमें मजा आए। मेरे चैनल पे ट्रेलर्स और म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं, तो कभी कभी ऐसे वीडियोस भी देख लेता हूँ मैं। सो या लेट्स गो करते हैं और देखते हैं क्या दिया दूरबराठी ने। क्या लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, सन 1996 की बात है। साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी एक रिसर्च कर रहे थे। इस सिलसिले में उनकी बात नरेंद्र मोदी से हुई। आशीष नंदी ने नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया जो कई घंटों तक चला, और जब ये इंटरव्यू खत्म हुआ आशीष नंदी अंदर तक हिल गए थे। ऐसा क्या पता चला उन्हें नरेंद्र मोदी की मानसिकता के बारे में जिसने उनके होश उड़ा दिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप और मीडिया पर नरेंद्र मोदी की क्या तस्वीर आपको दिखाई जाती है, क्या झूठी इमेज आपके सामने बनाई जाती है। आज के वीडियो में दोस्तों उनकी असल जिंदगी के बारे में जानते हैं, क्या है उनकी असली पर्सनैलिटी और उनकी असली मानसिकता। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि अब इस चैनल पर हमारे 20 मिलियन से ज्यादा लोकतंत्र ChatGPT कोर्स और जाकर चेकआउट कर सकते। नरेंद्र मोदी की पढ़ाई हुई थी भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में। उनके संस्कृत के टीचर प्रहलाद पटेल ने बताया कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके बायोग्राफर निलंजन मुखोपाध्याय ने भी यही बात कही, लेकिन दिलचस्प बात सुनिए। उन्हें स्कूल के नाटकों में एक्टिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन अगर मेन रोल ना मिले तो उस नाटक में एक्टिंग करने से ही मना कर देते थे। 8 साल की उम्र में ही वो RSS के संपर्क में आ गए थे। साल 1958 में दिवाली के दिन वो वडनगर की RSS शाखा में बाल स्वयं सेवक बने। उनके स्कूल के सहपाठी सुधीर जोशी ने बताया कि शाम को स्कूल के बाद वो घर पर किताबें रखते और सीधा शाखा चले जाते। इसके बाद 1972 में 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी RSS के प्रचारक बने और 15 साल बाद 1987 में उन्हें BJP में लाया गया। उन्हें कमाल के ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा जाता था। जैसे कि एंडी मरीनो उनके द्वारा लिखी गई नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल बायोग्राफी में बताते हैं कि 1990 में राम रथ यात्रा हुई तो नरेंद्र मोदी गुजरात BJP में शामिल थे और उन्होंने इस यात्रा के गुजरात वाले हिस्से के आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। 1995 में उन्हें BJP का नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। 2001 में इन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। 2002 में दंगे होते हैं, इन्हें लेकर नरेंद्र मोदी पर कई इंजाम लगते हैं। अब इस पर अपना अलग से एक डिटेल्ड वीडियो हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह होती है कि इन्हें क्लीन चिट भी मिल जाती है। लेकिन तभी से एक कॉम्युनल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बनती है, एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इस ब्रांडिंग पर यकीन करते हैं, जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इसी तरीके के कॉम्युनल इंसान है। लेकिन आप में से दूसरी तरफ कुछ लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी को एक सेक्युलर आदमी मानते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में हो, दोनों ही कैटेगरी के लोगों की यहाँ आंखें खुलने वाली हैं आगे की बातें सुनकर। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। जो असली गंगा पुत्र थे स्वामी सानंद, गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उनकी 4 डिमांड थी। प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठी लिखी उन्होंने। RTI से पता चला कि PMO तक वो चिट्ठी पहुंच गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब 111 दिन तक अनशन पे बैठने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी का मुंह खुला और वो भी ट्विटर के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन्हें। एक हिंदू होकर कभी उनके मन में ख्याल नहीं आया कि किसी संत की मृत्यु होने का उन पर पाप लग सकता है। और वो तो हम क्या ही बात करें जो किसान आत्महत्या से मरते रहे हैं, उनमें क्या हिंदू नहीं है, उन हिंदुओं के लिए क्या किया।
प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिला। उनमें भी तो कई हिंदू औरतें थी जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी, वो भी हिंदू थी। उनका क्या, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और अब बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दिया। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, रोजगार है नहीं है। उन्हें बस चाहिए कि मुसलमानों की ऐसी तैसी की जाए। और इन्हीं लोगों को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान वाले भाषण होते हैं। कभी मोदी कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। तो कभी अमित शाह एक भाषण में मुसलमानों के खिलाफ डॉग विस्लिंग करते हैं, कहते हैं कि 2002 में उन्होंने दंगे की और नरेंद्र मोदी ने उन्हें सबक सिखाया। प्रधानमंत्री मोदी को इस सब की कोई हिचक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे पद की कोई गरिमा है, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला कम्युनल बेशर्मी के साथ वो भाषण देते हैं। ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मिलने थे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए, बिहार में समीकरण कुछ और थे तो वहाँ मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे, बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है, मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है। ऐसा नहीं है, इनके ये दो चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं देखते, सभी को अपने धर्म का पालन करने की सुविधा है और देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है हमारा संविधान। आज की बीजेपी क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं, हम संविधान को मानते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है। पीएम मोदी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ में बोले हैं, कहा है कि अल्लाह के 99 नाम में से कोई भी हिंसा के लिए नहीं है। इस्लाम का संदेश है शांति, ऐसा इनका कहना था। सभी माइनॉरिटीज भारत का अटूट हिस्सा है। हमारे घर में ईद भी मनती थी, मेरे घर में ईद के दिन उसका खाना नहीं पड़ता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। जब मोहरम निकलता तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिर ताजिए के नीचे, ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। आप यहाँ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। अभी कुछ दिन बाद पंजाब में भी तो चुनाव होने हैं। पत्रकार साक्षी जोशी ने इनके पुराने नाते वाले बयानों का एक बड़ा अच्छा कंपाइलेशन बनाया था। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। जहाँ जहाँ बिछाई, जहाँ दिखी खाट वहीं बिताई रात, है ना, वो वाला सिस्टम है।
आया है। तो एक बारी कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। किस किस के साथ नाता है यार इसके अंदर सब चीज। सबके साथ तो नाता है, कोई ऐसा रिलीजन नहीं छोड़ा जिसके साथ नाता नहीं है ना। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? अपने भाषणों में नाता जोड़ने के लिए ये तक कहने लगे कि मैं अगला जन्म बंगाल में लूंगा। अगले जन्म में बंगाल की किस माँ के गोद से पैदा होने वाला हूँ। ओडिशा में जाकर कहते हैं कि ओडिशा को देश का नंबर वन राज्य बनाएंगे और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं हम कर्नाटका को देश का नंबर वन राज्य बनाएंगे। ओडिशा को यार ये तो करना पड़ेगा ना, तो वोट कैसे मिलेंगे उस स्टेट से है ना। ये तो यार सभी करते हैं आई थिंक। देश का नंबर वन राज्य बना सकते हैं। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर वन राज्य बनाने का लिए। बात समझ रहे हो ना दोस्तों, वोट पाने के लिए जहाँ जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहाँ के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रेटेजी चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। ये कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट करो। केरला में जाकर इसका उल्टा कहते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। जब गोवा की बात हुई तो 2015 में अमित शाह ने खुद कहा था कि इनका देश भर में बीफ बैन करने का कोई प्लान नहीं है। अब जनता के लिए अच्छे काम करना ये भी एक तरीका है सत्ता हासिल करने का, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे। काम के नाम पर या तो लोगों को सपने दिखाए जाते हैं या फिर नौटंकियां करी जाती है। गुजरात मॉडल, अच्छे दिन, गंगा नदी की सफाई, 100 स्मार्ट सिटीज, काला धन वापस लाओ, ये कुछ ऐसे सपने थे जिनकी एक्सपायरी डेट रीच हो चुकी है। डीमोनेटाइजेशन को देखो, 2016 में अमित शाह ने कहा था कि ये काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर ऐसा है तो नोटबंदी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते लोगों से। 3 फार्म लॉज को याद करो, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये ऐतिहासिक चीज है किसानों के लिए। फिर जब मोदी सरकार ने इन्हें वापस लिया तो गोदी मीडिया वाले कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है इन्हें वापस लेना। तो वोट क्यों नहीं मांग रहे इस चीज पर? ना तो कृषि कानूनों पर वोट मांग रहे, ना इनके वापस लेने पर वोट मांग रहे। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी इन्होंने, क्या हुआ उसका? 2014 से पहले नारा लगाया जाता था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरा तो मंत्र है खाऊंगा। कहते थे कि संसद को गंगा की तरह पवित्र कर देंगे। कभी आपने इस नारे को दोबारा सुना इनके मुंह से? अरे महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी कहा करते थे, प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का मौ भी नहीं निकलता। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मौ बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मौ बोलने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने ही नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब महंगाई को कंट्रोल करने पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर, अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया। इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दें लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे, तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की। इसीलिए चुनावी भाषण में अब फिर से वही हिंदू मुस्लिम और पुराना नाता, ये है निंजा टेक्निक जनता को रिझाकर वोट लेने की। लेकिन अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अपने संगठन के अंदर अपनी पैठ कैसे बनाई जाए। पिछले वीडियो में मैंने हिस्टोरियन हरबंस मुखिया के एक आर्टिकल की चर्चा करी थी जिसमें उन्होंने मोदी और औरंगजेब की तुलना की थी। उसमें एक सिमिलैरिटी ये भी थी कि किसके साथ मिलकर किसे साइड करना है, ये बात औरंगजेब भी अच्छे से जानता था और नरेंद्र मोदी भी। कई सीनियर बीजेपी लीडर्स के साथ बातचीत के आधार पर कैरेवान में ये रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने केशु भाई पटेल के साथ मिलकर शंकर सिंह वगेला को बाहर किया।
फिर बीजेपी की नेशनल लीडरशिप की मदद से केशुभाई पटेल को ही बाहर कर दिया। हरबंस मुखिया बताते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाने को कहा मोदी को, तो उन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और बाद में जाकर अडवाणी को ही आइसोलेट कर दिया। ऐसे ही 2014 में जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने दी। 2014 में मुरली मनोहर जोशी को उनकी टिकट वाराणसी से हटाकर कानपुर भेज दिया गया और 2019 में कहा कि वैसे एक बात है भाई, ये पॉलिटिक्स होती तो बड़ी गंदी चीज है ना, पॉलिटिक्स बड़ी आई फक पॉलिटिक्स। ऐसे ही 2014 में जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने दी। 2014 में मुरली मनोहर जोशी को उनकी टिकट वाराणसी से हटाकर कानपुर भेज दिया गया और 2019 में कहा कि अब आप भी अडवाणी जी के साथ विश्राम कीजिए। एनडीटीवी की वेबसाइट पर सिद्धार्थ वरदराजन का 2015 का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें बताया गया कि मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह को समय से पहले रिटायर करवाया गया और एस जयशंकर को सीधा फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया और फिर वो विदेश मंत्री भी बन गए। इसमें ये भी बताया है कि कैसे सुषमा स्वराज को विदेश नीति के की डिसीजन से बाहर रखा जाने लगा था। द प्रिंट पर 2019 का मौसमी दास गुप्ता का ये आर्टिकल देखिए, ये बताती है कि कैसे राजनाथ सिंह के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होने के बावजूद उन्हें 8 में से 6 कैबिनेट कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया था एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। बाद में इसे रिवाइज किया गया और उन्हें 6 कमेटी का मेंबर और एक हेड बनाया गया। लेकिन यही चीज नितिन गडकरी के साथ भी हुई। 2021 में नितिन गडकरी की स्टेटमेंट आई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू आदर्श लीडर्स हैं। अगले साल ही बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को ड्रॉप कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी केवल साइडलाइन करते हैं, एक बार जरा उनकी भक्ति करके देखो और फिर देखो कमाल। इस आर्टिकल को देखिए, निर्मला सीतारमन का चौंकाने वाला राइज। 2006 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और सिर्फ 11 साल बाद वो डिफेंस मिनिस्टर बन गई। 2019 में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गई। बिजनेस स्टैंडर्ड के इस 2014 के आर्टिकल को देखिए, स्मृति ईरानीज मर्क्यूरियल राइज। 2004 में स्मृति ईरानी ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात के दंगों के ऊपर इस्तीफा नहीं देंगे तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन 2 महीने बाद एलके अडवाणी के घर उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ डिनर किया और सुलह हो गई। 2014 में अमेठी से चुनाव हारने के बावजूद भी उन्हें एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया और 2019 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बन गई वो। अश्विनी वैष्णव का केस देखिए, वो पहले आईएएस थे, फिर कॉर्पोरेट जॉब, फिर बिजनेस और 2019 में राज्यसभा में आए। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2021 में इन्हें इकट्ठे 3-3 मंत्रालय दे दिए गए, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कम्युनिकेशन। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस का साथ छोड़ा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी, फटाक से इन्हें राज्यसभा का एमपी बनाया गया और अगले साल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बन गए। दूसरी पार्टियों के ऐसे 25 नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं और जो आज बीजेपी ज्वाइन कर बैठे हैं, उनमें से 23 के मामलों को रफा दफा कर दिया गया। कौन करप्ट है, कौन इनकेपेबल है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही फंडा है, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। और ये तकनीक इनकी सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, ये रिवॉर्ड और पनिश का मॉडल देश में हर जगह चला रखा है। फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई ने कई ऐसे केस देखे जिसमें सरकार के मेजर पॉलिटिकल स्टेक्स थे। जब ये चीफ जस्टिस थे, कई ऐसे फैसले आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सरकार के फेवर में गए और रिटायरमेंट के केवल 4 महीने बाद इन्हें राज्यसभा की सीट दे दी गई। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इसे क्विड प्रो को का एक क्लियर केस बताते हुए डिस्गस्टिंग करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने ओपनली प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी है, इन्हें वर्सेटाइल जीनियस और इंटरनेशनली अक्लेम्ड विजनरी बुलाया है। कुछ साल पहले रिजर्व बैंक के साथ सरकार की तकरार हुई थी, आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को दूसरी टर्म नहीं दी गई, फिर उर्जित पटेल ने भी रिजाइन कर दिया। बाद में विरल आचार्य ने डिप्टी गवर्नर की पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया था। इलेक्शन कमीशन को देखिए, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। 2019 की इलेक्शन में एक इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच पर क्लीन चिट देने से मना कर दिया था। कुछ ही महीनों बाद उन्हें हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करने के लिए यह था कि सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया सिलेक्शन पैनल से। इलेक्शन कमिश्नर्स भी नरेंद्र मोदी ने अपनी पसंद की अपॉइंट कर रखे हैं आज। ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री स्कीम, यानी प्राइवेट से कोई आएगा और सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी जैसी हाई पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया जाएगा, ये स्कीम लाई गई सरकार के द्वारा। स्टेटमेंट, लोकेश चंद्र ने कहा कि मोदी गांधी से भी महान है, वे तो भगवान है। रिजल्ट, उन्हें इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का हेड बना दिया गया। स्टेटमेंट, पहलाज निहाली ने कहा हर हर मोदी घर घर मोदी। रिजल्ट, उनके जैसे बी ग्रेड फिल्म मेकर को सीबीएफसी का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनके समय कितनी प्रॉब्लम्स हुई। यूनिवर्सिटीज को भी नहीं छोड़ा गया, गजेंद्र चौहान, इन्होंने बस युधिष्ठिर का एक रोल किया था और उसके बाद सैकड़ों बी ग्रेड फिल्में करी थी। लेकिन मोदी के लिए इन्होंने कैंपेन किया तो FTII पुणे जैसे
प्रीमियर इंस्टीट्यूट का इन्हें चेयरमैन बना दी। इसके लिए INB मिनिस्ट्री ने सजेशंस की एक लिस्ट भी रखी थी, जिनमें महान फिल्म मेकर्स के नाम थे, श्याम बेनेगल, विधु विनोद चोपड़ा, रजनीकांत का नाम था, अमिताभ बच्चन का नाम था। लेकिन मोदी सरकार ने अपॉइंट किसे किया? गजेंद्र चौहान को, केवल और केवल मोदी की चाटुकारिता के लिए। 139 दिन तक FTII के छात्रों ने इसके खिलाफ स्ट्राइक भी करी थी। ये बात केवल नेताओं, मंत्रियों, सरकारी एजेंसियों, ऑफिसर्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर नहीं रुकती है। इन्हें मीडिया भी अपनी मुट्ठी में चाहिए। कोई मीडिया आउटलेट इनसे सवाल करेगा तो रेड हो जाएगी। NDTV के बिकने से पहले उस पर CBI रेड हुई थी, न्यूज लॉन्ड्री पर इनकम टैक्स सर्वे हुआ, BBC इंडिया पर रेड हुई, द वायर पर रेड हुई। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो इनकी तारीफ करेगा, अपने चैनल पर रोज मोदी 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 का गाना गाता रहेगा, उन्हें सरकारी विज्ञापन मिलेंगे, उनके साथ मोदी जाकर इंटरव्यू करेंगे। NDTV इतने सालों से एक बड़ा न्यूज चैनल रहा था, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई थी NDTV को इंटरव्यू देने की। लेकिन अब जब अडानी ने NDTV को खरीद लिया है, अब NDTV को इंटरव्यू दे रहे हैं। कंपनियों का भी यही हाल है देश में दोस्तों। कोई कंपनी चंदा देगी तो उसे धंधा मिल जाएगा, चाहे नकली दवाइयां पास करानी हो। एक बार पुल गिरने के बावजूद भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इनकम टैक्स की रेड से मिले हुए नोटिस वापस हो जाएंगे। अडानी तो पुराने साथी हैं, उन्हें एयरपोर्ट से लेकर कोयला सब मिला। हिटलर के लिए अपने समय में लेनी राइफेनस्टाइल जैसे प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर थे। आज विवेक अग्निहोत्री और सुदीप्तो सेन जैसे गोदी फिल्म मेकर हैं जो दुनिया भर का झूठा प्रोपेगेंडा बनाते हैं, और बदले में नरेंद्र मोदी इनकी फ्री पब्लिसिटी करते हैं, नेशनल अवार्ड तक दे देते हैं। देश की हर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, विभाग में यही कीचड़ फैला रखा है। BCCI को देख लो, BCCI का हेड किसे बना रखा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को। बताओ जरा क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें? भाई ये इतना धोती खोल रहा है ना धुरू राठी, मतलब इतना डीपली घुस घुस के कोई फील्ड नहीं छोड़ी भाई ये यार। मतलब साला क्या क्या सोच के मैंने वोट दिया आज, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ना। इससे बढ़िया तो नाटो दबा गया था। बेकार है मैं पॉलिटिक्स तो देख लो। BCCI का हेड किसे बना रखा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को। बताओ जरा क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें? माइक पर इंग्लिश बोलनी आती है? आई एम ग्लैड दैट MS हैज एक्सेप्टेड BCCI's रिक्वेस्ट एंड ही विल जॉइन टीम इंडिया फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। अरे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी बोलना आता है क्या? सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सोशल मीडिया एक नई चीज उभर कर आई तो वहां भी इन्होंने यही करने की कोशिश करी। जो इनके खिलाफ बोले उसे बैन कर दो, ब्लॉक करने की कोशिश करो। बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल, उसे बंद कराया गया था। अभी फरवरी में 177 ट्विटर अकाउंट्स को विदहोल्ड कराया गया। किसानों का जो ट्विटर हैंडल था किसान एकता मोर्चा, वो बंद करवा दिया गया। जो भी इनकी आलोचना करे या तो उसे बंद करवा दो या फिर इनका IT सेल गंदी गालियां देगा, बुली करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। थैंक यू सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? इनके IT सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले BJP के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है BJP, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास है। और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना। लेकिन मैं अपने देश को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, देश को बचाने के लिए। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा, मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा। और चाहे इससे मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, लेकिन कम से कम मैं नीचे नहीं झुका। इसके अलावा कुछ और रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि मोदी आपको अपने घर बुलाएंगे। अपने भाइयों को नहीं बुलाया वो अलग बात है, लेकिन 2015 में इन्होंने #super150 इन्फ्लुएंसर्स को अपने घर बुलाया था। भाई ये चीज तो है कि अपना पूरा करियर रख दिया ध्रुव राठी ने, क्योंकि भाई इतने बड़े लेवल पे अगर किसी को तुम प्रवोक कर रहे हो तो एक होता है भाई जिसको तुम प्रवोक कर रहे हो, उसको प्रवोक किया है तो भाई पूरा करियर दाव पे लगाया। भाई ध्रुव राठी की जो YouTube पेज है, पूरा करियर है ना,
इतने सालों की मेहनत है, वो पूरी दाव पे लगा दी भाई वीडियो बना के। बिल्कुल साला अगर यूट्यूब पेज इन्होंने बैन करवा दिया, जो फिर दोबारा वो स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करना क्या है, स्टार्ट तो यार उसके लिए छुट्टी होगा, खेले एक वीडियो बनाएगा, पटाख से रीच मिलेगी क्योंकि भाई पॉपुलर ही इतना जरूर आती है ना, ऐसे मुद्दे तो उठाता रहता है। रिवॉर्ड है जैसे कि मोदी आपको अपने घर बुलाएंगे, अपने भाइयों, लेकिन गट्स है भाई, गट्स है, को नहीं बुलाया वो अलग बात है, लेकिन 2015 में इन्होंने #super150 influencers को अपने घर बुलाया था, और इनमें से माँ बहन की घटिया गालियां देने वाले गालीबाज ट्रोल्स बहुत थे। ऐसे लोगों को पीएम मोदी ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं और बड़े प्राउडली वो अपने बायो में लिखते हैं, प्राउड टू बी फॉलोड बाय पीएम मोदी। ये भी देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, वही लोग जिन्हें पीएम मोदी फॉलो करते हैं। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आप ये विस्तार से देख सको कि हर जगह इन्हें अपने वफादार चाहिए। नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ईडी, सीबीआई अफसर, इलेक्शन कमिश्नर, आरबीआई गवर्नर, जज, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन, यूनिवर्सिटीज के वीसी, फिल्म मेकर, पत्रकार, क्रोनी सेठ, स्पिरिचुअल गुरु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, हर जगह इनके लोग। और ये सारे लोग चाहे अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी हो, क्रिमिनल हो, निकम्मे हो, इनमें कोई खास टैलेंट ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनकी वजह से देश का विज्ञान, देश की कला, देश की इकोनॉमी सब नीचे गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि नरेंद्र मोदी का वफादार होना चाहिए, देश का पूरा सिस्टम ही नरेंद्र मोदी के वफादारों और चाटुकारों का सिस्टम बन जाए, चारों तरफ इन्हीं के ही लोग, इन्हीं के ही गुणगान। सरदार पटेल का नाम हटाकर स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर दिया और स्टेडियम के दो एंड्स के नाम इनके दोस्त अंबानी और अडानी के नाम पर दे दिए। एक बहुत बड़ा फूलों का हार लेकर आया गया था। आम तौर पर जब ऐसा होता है तो सभी नेता उस माला के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ आप देखिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह को देखिए। मोदी जी को जय श्री राम। एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा, साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। जापान गए तो वहाँ एक आदमी को साइड में हटाते हुए देखे गए, क्योंकि वो उनके और उनके कैमरा के बीच में आ रहे थे। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण अडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए, कौन दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। ये गलत है यार। ने एक रिपोर्ट की जिसमें दिखाया गया कि कैसे गांधी दर्शन म्यूजियम, गांधी स्मृति केंद्र और खादी ग्रामोद्योग जैसी अलग अलग साइट्स पर नरेंद्र मोदी के फोटोज और कोट्स घुसाए। यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है गांधी दर्शन, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि गांधी दर्शन कम है, यहाँ मोदी जी के दर्शन ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन ठीक, अगर इसके आप ऊपर देखेंगे तो इस तस्वीर में यहाँ गांधी जी हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीर में पीएम मोदी फोटो है इतनी बड़ी, वहीं गांधी जी इतने से। ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान समारोह हुआ तो उसका पोस्टर देखिए। ये लेफ्ट में है मेडल जीतने वाले और फोटो के राइट में नरेंद्र मोदी की फोटो। सरकारी स्कीम से लेकर सड़कों और अस्पतालों के नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर है। नमो किसान सम्मान दिवस, नमो फ्री डायलिसिस सेंटर, नमो डे केयर सेंटर, नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, नरेंद्र मोदी मार्ग, मोदी आवास, घरकुल योजना। 2013 में बतखों के साथ फोटोशूट, कभी मोर को दाना खिलाने का वीडियो बन रहा है, कभी मॉर्निंग एक्सरसाइज का वीडियो बन रहा है, तो कभी बीच वाला फोटोशूट, जिम वाला फोटोशूट, जंगली सफारी करते हुए फोटोशूट, फोटो खींचते। ये भाई सारे बचपन के सपने थे जो इस एज में आके पूरे हो गए ना, वर्ल्ड टूर, फलाना, ये वो, जिम, योगा, बतख, मोर, वीडियो वाला फोटोशूट, ये भी तो टिकटॉक ही चल रहा है हुए फोटोशूट। आत्म मुग्ध होने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मुफ्त राशन के थैलों से लेकर कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो छपवा ली। लोग कह रहे हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये 10 साल से बने हुए हैं, इनके दिमाग में कुछ और ही है। प्रशांत किशोर ने पहले इंडियन एक्सप्रेस के साथ और रिसेंटली संदीश भाटिया के साथ इंटरव्यू में कुछ ऐसी ही बात कही थी कि बीजेपी को केवल आपका वोट नहीं चाहिए बल्कि आपके दिमाग का पूरा कंट्रोल इन्हें चाहिए। ये चाहते हैं कि आप इनकी पूजा करो। प्रॉब्लम ये है कि मतलब
बीजेपी वॉन्ट्स मोर देन योर वोट. एक आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं, वो आप पर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं. भाई आपको मेरा वोट चाहिए या नहीं चाहिए वो कहानी हो गई. अब उसके बाद है कि आपने मुझे वोट दे दिया, अच्छा पूजा भी आप इनकी करो, कपड़े ऐसे पहनो, खाना ये खाओ. वीडियो के शुरू में मैंने बताया था साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी के बारे में. उन्होंने इतने साल पहले जब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया तो वो क्यों हिल गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा उनके खुद के शब्दों में नरेंद्र मोदी फैसिस्ट की डायग्नोस्टिक कैटेगरी में आ रहे. उनके अंदर आशीष नंदी ने अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी के सभी ट्रेट्स देखे. प्यूरिटैनिकल रिजिडिटी यानी शुद्धतावादी कठोरता, एक संकुचित इमोशनल जीवन, अपने स्वयं के जुनून का डर, और चौथा बहुत बड़ी ईगो. एक ऐसी ईगो जो अंदर बैठी हुई इनसिक्योरिटी को छिपा रही है. अंदर एक डरपोक बैठा है जो बाहर सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है. एक तरफ ये अपने अमीर सेठ दोस्तों और वफादारों के साथ, दूसरी तरफ करोड़ों गरीब लोग. मित्रोनॉमिक्स की इस इकोनॉमिक पॉलिसी पर गरीब लोग एतराज ना करें इसलिए सोशल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो. फिर भी कुछ लोग अपनी सैनिटी बनाए रखें और विरोध दर्ज करें तो पॉलिटिकल पॉलिसी, अथॉरिटेरियनिज्म, पावर का नशा, सत्ता की भूख, इनके सामने कोई ना बोल पाए. अपने आलोचकों को देशद्रोही गद्दार कहने का फॉर्मूला भी तानाशाही का ही फॉर्मूला है. सिंगर नेहा सिंह राठौड़ से लेकर जर्नलिस्ट आरफा खान शेरवानी के ट्विटर पर गंदी गालियां दी जाती है, ये भी यही फॉर्मूला है. कुछ दिन पहले पॉलिटिक्स के एक रिपोर्टर राघव त्रिवेदी पर अमित शाह की रैली में गुंडों ने हमला कर दिया. किसी को धमका दो, किसी को गाली दो, किसी को डरा दो तो किसी को गद्दार घोषित कर दो. और फिर नरेंद्र मोदी और उनके बृजभूषण सिंह, अजय मिश्रा, टैनी जैसे नेताओं के खिलाफ कोई ना बोल सके, सब कुछ चुपचाप सहो. यही वजह है जिसके कारण मैं कहता हूँ मोदी नहीं, कोई भी और. कोई भी और जिसमें आलोचना सहने की शक्ति हो, जो लोगों के प्रति जवाबदेही हो, जो अहंकारी होने की बजाय विनम्र हो, जो एक्सपर्ट से सलाह करते हुए विवेकपूर्ण चले. इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, पिनरई विजयन, मनोज कुमार झा, महुआ मोइत्रा, इनमें से कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से 100 गुना बेहतर है. जो गलत चले उसे सही राह पर लाया तो जा सके. एक ऐसा इंसान जो खुद को शहंशाह ना मानता हो. जिन नेताओं के मैंने नाम लिए ये तो फिर भी पढ़े लिखे नेता हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ दोस्तों नरेंद्र मोदी से बेहतर पीएम अंजना ओम कश्यप जैसी एंकर भी बन सकती. मजाक नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं, खुद ही सोच कर देखो. कम से कम अंजना ओम कश्यप इस अहंकार में तो नहीं होंगी कि मुझे सब पता है. कम से कम बाकी कैबिनेट मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपर्ट से सलाह करेंगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, पूरे देश को एक चाटुकारों का देश नहीं बना देंगी, अपने खिलाफ बोलने वालों को गद्दार नहीं कहेंगी. लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत जैसी टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ये सबसे खराब लोग होते हैं देश के लीडर्स बनने के लिए. आंखें खोल लीजिए, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी बचाना है इस तानाशाही से. इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद. कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिक्टेटर वाली सीरीज में मैंने 2 और वीडियोस बनाए हैं, उन्हें भी यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं. बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी उनमें. So, रिएक्शन वीडियो होती है कंप्लीट. और भाई काफी गंदे तरीके से रोस्टी बोलूंगा मैं इसको, है ना, रोस्टिंग करी है मोदी की. और भाई मेरे भी दिमाग के तार हिल गए कि भाई इतनी सारी चीजें, और मतलब सबको नहीं पता होता ये सारी चीजें, मतलब हर फील्ड के अंदर मोदी 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 मोदी, सड़क का नाम मोदी, चौराहे का नाम मोदी, मोदी का हॉस्पिटल, मोदी की दवाएं, नमो 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 नमो. सो काफी चीजें बताई है भाई. धूल राठी को सल्यूट है जो इतनी रिसर्च करके इतना खतरनाक कंटेंट बनाया और इतना खतरनाक कंटेंट बना दिया. लेकिन भाई अगर कुछ करियर पे भी दाव लगा दिया भाई इतना खतरनाक बना के, पर आवाज उठाई है काफी बढ़िया. लेकिन ये वीडियो यार मैंने अब रिएक्ट कर रहा हूँ, जिस दिन मैं वोट डाल के आया हूँ. साला अगर पहले देख लेता ना इस वीडियो को तो मैं साला वोट ही नहीं डालने जाता, है ना, नाटो दबा के आता, काम खत्म गया. तो कोई सरकार नहीं चाहिए, कोई मेरे घर में दाना रोटी अनाज देने नहीं आ रहा, सबको बस फ्री कर देंगे फ्री कर देंगे. बस भाई जॉब दो, सैलरियां बढ़ाओ, हम महंगी चीज भी खरीद लेंगे, ये होना चाहिए. पैचो फ्री करके पूरी दिल्ली फ्री हो गई. सो आप लोग बताएं, आपने अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में बताना. सो सल्यूट है ध्रुव राठी को. सो चलिए मिलते हैं अपनी नई रिएक्शन वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय.